प्रिय मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक अद्भुत दृश्य दिखाना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं ये पीछे सफेद बगले इस खेत में है। यहाँ पर ये भाई काम कर रहे हैं, शायद उनकी पत्नी भी यहाँ पर है। और ये खेत में आप देख रहे हैं पीछे बहुत बड़ी खेती हो रही है, लेकिन पूरी खेती को छोड़कर ये बगले जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। जब मैंने इनसे प्रश्न पूछा कि बगले पूरी खेती को छोड़कर यहाँ क्यों बैठे, तो आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब हम मिट्टी को खोदते हैं, पानी डालते हैं, तो इसमें से जो कीड़े निकलते हैं वो बगले उसको खाते, अर्थात वो जो कीड़े हैं वो इन बगलों का आहार है। जैसे ही ये दृश्य मैंने सुना, मेरे मन में एक देखिए, आप देखिए बगले धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। देखिए आप, ये आगे आ रहे हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इन बगलों को पता है, इन पक्षियों को पता है कि ये जो दो व्यक्ति हमारे स्वामी हैं और इनके द्वारा भोजन जो है वो हमें मिलेगा। जीवन ठीक इसी तरह है, जीवन ठीक इसी तरह है। मनुष्य के लिए सारे समाधान परमेश्वर के पास है। हम पूरी दुनिया को छोड़कर अगर हम परमेश्वर के पास आए, हम तृप्त होंगे, हम आशीषित होंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। बाइबल यही सिखाती है, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल हमें यही सिखाती है कि हमारे लिए सुख, हमारे लिए संपूर्णता और हमारे लिए समाधान और जो सुरक्षा है वो प्रभु के हाथों में है। ठीक इन पक्षियों को मालूम है कि हमें कहां बैठना है। इस खेती में ठीक जगह पर पूरी खेती को छोड़कर वो यहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है उनके स्वामी यहाँ पर हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में एक कहानी है उड़ाऊ पुत्र की। वो सब कुछ लेकर अपने पिता से दूर चला गया, लेकिन जब उसे अनुभव हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, वो अपने पिता के पास वापस लौट कर आया। इस दृश्य के द्वारा मैं आपको ये प्रेरित करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कैसी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर के पास वापस लौट आइए। जब आप परमेश्वर के पास वापस लौटते हैं, आप तृप्त होंगे, आशीषित होंगे और आपके जीवन के सारे समाधान परमेश्वर के हाथों में है। इन पक्षियों के पास बुद्धि है और मैं विश्वास करता हूं कि इनसे बढ़कर बुद्धि हमारे पास है। प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, यीशु ने कहा, और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें वो आशीष दूंगा, मैं तुम पर अपनी कृपा करूंगा और मैं तुम्हारा पेट भरूंगा। मेरे प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एनकरेज करना चाहते हैं। देखिए बगले वापस यहाँ लौट आए, अभी हम लोग खड़े तो थोड़ा ही हमसे डर रहे हैं, लेकिन ये वापस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो है वो अपना भोजन प्राप्त करेंगे। ठीक इसी तरह हमें भी परमेश्वर के पास वापस आना है और अपने जीवन को यीशु मसीह से अर्थात परमेश्वर से प्राप्त करना है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।